उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस और बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं अल्मोड़ा लोकसभा सीट से चौथी बार लगातार टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टम्टा का भव्य स्वागत किया। टम्टा ने टिकट देने पर आलाकमान को धन्यवाद दिया। वहीं टम्टा ने राज्य की पांचों लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है और कहा कि मैं जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूं, क्योंकि इस समय पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। हमने अपने संविधान को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है। उन्होंने कहा कि आज चीफ इलेक्शन कमीशन 2 साल पहले इस्तीफा दे रहा है। मैं जीत के लिए पूरी आश्वस्त हूँ, क्योंकि इस समय देश में एक बदलाव की लहर है कि हमको लोकतंत्र को बचाना है, हमको अपने तमाम उन संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को बचाना है। आज तो इलेक्शन कमीशन भी 2 दिन पहले इस्तीफा देता है, जिसको 2 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहना था, जिसकी नियुक्ति 24 घंटे के अंदर रिटायरमेंट के बात हो चुकी थी, आखिर उसको क्यों जाने के लिए बाध्य किया गया है। इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हम यहाँ पर जीतेंगे। सिर्फ यही नहीं जीतेंगे, हम 500 सीट जो 2009 में हमने उत्तराखंड की जनता आज फिर या 2024 में उसको दोहराई। प्रदीप टम्टा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के राज में पिछले 10 सालों से लोकसभा क्षेत्र में कोई बेहतर काम नहीं हुआ है। अल्मोड़ा लोकसभा के लोग कह रहे हैं कि सांसद ने यहां कोई काम नहीं किया है। अल्मोड़ा से संजय सिंह की रिपोर्ट।